हेलो बच्चों, दिस इज़ राकेश सैनी, आपका आरएसएन सर। राइट, सो बेटा महारिविज़न कोर्स हमारा चल रहा है फिजिक्स में, और आई होप आपको इससे बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका एक एक करके चैप्टर्स रिवाइज भी होते जा रहे होंगे। राइट, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो मान के चले मोशन का मोटिव और आपका मोटिव डेफिनेटली पूरा कम्प्लीट होगा। राइट बेटा, अब थोड़ा सा हम समझें, जैसे जब आप महारिविज़न कोर्स में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो एक पर्सनल सजेशन मेरा और है आपका कि आप क्या करें, जैसे ही आपको क्वेश्चन आया आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज किया, उसके बाद एक बार क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, और एक बार क्वेश्चन आपने ट्राई किया उसके बाद फिर से आप देखें कि यार आपका जो आंसर आता है सही था या गलत था, और अगर गलत हुआ तो टीचर ने आपको जो भी कुछ बताया उसके अकॉर्डिंग आप उसको आगे अपने आप फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। और आपको अगर गलत हो गया होगा या नहीं आया होगा तो टीचर जो आपको बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सही सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आपको अपनी गलती थोड़ी सी पकड़ में आने लगेगी। राइट बेटा, सो लास्ट जो चैप्टर में आपके सामने आया था वो डिस्कस करने आया था बेटा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले बेटा वो कौन सा है आपका, वेव मोशन। और इसमें वेव का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंटरफ्रेंस की थोड़ी बात करेंगे, और थोड़ा सा हम स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और आपको पता है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, क्वेश्चंस भी अक्सर आते रहते हैं इसमें, और ये मान के चलें स्ट्रिंग और वेव को लेके एक ना एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में जरूर आएगा। तो मान के चलें आज जो लेक्चर आप पढ़ेंगे उससे करीब करीब एक से दो क्वेश्चन आपके 100% सही जाने चाहिए। ठीक है बेटा, सो वेव स्टार्ट करते हैं और वेव को आगे बढ़ाते हैं इसी को लेके। सो चलिए स्टार्ट करें बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है, ट्रांसवर्स वेव फॉर्म दे रखा है, जो ट्रैवलिंग कर रहा है बेटा किस तरफ, राइट टू लेफ्ट साइड। आपको देख के समझ में आ रहा है लेफ्ट साइड आपका वेव जा रहा है। ठीक है सर, लेफ्ट साइड जा रहा है, समझ में आया। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट पॉइंट पी आपसे पूछा है। पॉइंट पी बेटा आपको कहाँ पर दिया हुआ है, देखो पॉइंट पी आपको इस पॉइंट पर दिया हुआ है, राइट सॉरी, तो पॉइंट पी आपका ये दे दिया आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इस वाले पॉइंट पर आपसे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ऊपर होगा नीचे होगा दाएं होगा बाएं होगा। इसका फॉर्मूला जो आपके पास होता है बेटा, अगर आपने देखा हो हमारा वेव का जो इक्वेशन होता है, वेव y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सपोज आपका ये वेव का इक्वेशन है। तो बेटा इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो एक टर्म तो हमें मिलता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और बेटा यहीं से अगर मैं डी वाई बाई डी टी सॉल्व करता हूँ तो मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी मिलता है, दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर दोनों को डिवाइड करें तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये तो बेटा ये वाई और एक्स ग्राफ का स्लोप हो गया, डी वाई बाई डी टी क्या हो गया, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो इससे हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी पी का वैल्यू मिलेगा माइनस वी डब्ल्यू डी वाई बाई डी एक्स। एक दो स्टेप मैंने थोड़ा डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है, कुछ नहीं किया हमने, इन दोनों को डिवाइड कर दिया बेटा। तो पार्टिकल के वेलोसिटी और ओमेगा अपॉन के की वेलोसिटी क्या होता है, वेव वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपको एक्चुअली याद रखना चाहिए था, जो मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट से डिराइव भी करके बताया। अब देखो कभी भी आपको पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में कुछ भी पूछना है तो मुझे दो चीज़ें देखनी होती है, एक तो वेव की वेलोसिटी किधर है और एक डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप कैसा है, क्या इस ग्राफ का डी वाई बाई डी एक्स वो है वो स्लोप है। तो इसको मैं ऐसा लिखूं, वी पी इक्वल टू माइनस वी डब्ल्यू इंटू स्लोप। तो बेटा मुझे ये पता करना है कि कैसे क्या हुआ। अब देखिए माइनस साइन की जगह माइनस साइन, वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में बेटा, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन यानी नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है। तो बेटा वेव वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में। और इसका स्लोप कैसा होगा, इस पॉइंट पर स्लोप देखा जाए तो बेटा स्लोप टेन थीटा की वैल्यू मोर देन 90 आ रहा है, यानी स्लोप भी आपका नेगेटिव हो गया। तो आपने कहा सर ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो अल्टीमेटली तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव साइड रहेगी, इसका मतलब डाउनवर्ड जा रहा होगा, इसका मतलब आंसर ये होगा। अच्छा एक और चीज़, सी और डी तो वैसे भी आपके ऑप्शन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि पार्टिकल जो होता है वो ऐसे SHM कर रहा होता है, और जब पार्टिकल इस तरह से SHM करेगा तो बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी या तो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, तो आंसर तो ए और बी में से जाना, तो सी और डी तो वैसे भी ऑप्शन में हटा दो। अब सोचो इसी में, ये तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, लेकिन सपोज अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ लेता तो इस वाले पॉइंट पे स्लोप क्या होता, पॉजिटिव, और स्लोप अगर मैं पॉजिटिव रखता तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आता, तो फिर मैं ए आंसर टिक करता। तो ऐसे किसी भी पॉइंट के लिए आपको कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में बेटा आपको इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए इक्वेशन आपको दिया है y इक्वल टू पॉइंट वन साइन समथिंग, जो भी आपको वैल्यू है, y और x आपके मीटर में, t टाइम है। एक एक करके चार ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिखेंगे,
अगर उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे तो ये बिल्कुल नहीं सोचे कि सर नीट में तो एक करेक्ट वाला ऑप्शन ही आएगा, मल्टीपल चॉइस में नहीं आएगा, मुझे पता है नीट में नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसलिए रखे ताकि आपको ये हैबिट पड़े कि हमें सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लेने चाहिए थे, और दूसरा हमें एक ही क्वेश्चन से चार क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलता है, राइट। अब देखो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछा स्पीड ऑफ वेव। बेटा वेव का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, ओमेगा बाय के। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से दिख रही है बेटा 20 पाई, और के का वैल्यू मुझे दिख रहा है 2 पाई, तो बेटा ये हो गया आपका 10। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए तो करेक्ट हो, तो सेकेंड क्वेश्चन बेटा ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी की बात करें, क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग विच डिफर बाय फेस 60 डिग्री आर सेपरेटेड बाय 1/6। यानी बेटा दो ऐसे पॉइंट जो 60 डिग्री के फेज डिफरेंस पे हैं उनके बीच में डिस्टेंस 1/6 मीटर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। इस ऑप्शन को समझे आप, वो दो पॉइंट जिनके बीच में फेज डिफरेंस 60 है उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो आपसे पूछा है। अब बेटा देखिएगा, क्या मैं इस इक्वेशन से फेज डिफरेंस और पाथ रेफरेंस में रिलेशन कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा से। तो पहले मैं लैम्डा कैलकुलेट करूँ। बेटा इसमें जो के की वैल्यू आपको दिख रही है वो कितनी दिख रही है, 2 पाई। तो के को लिख सकते हैं हम 2π/λ, दैट इज इक्वल टू 2π। तो यहाँ से बेटा के का वैल्यू मिला 1, यानी मुझे लैम्डा का वैल्यू मिला 1। इसका मतलब वेवलेंथ मुझे पता लग गया 1 मीटर है, ठीक बेटा। इसका मतलब अगर 360 फेज डिफरेंस होता तो उनके बीच में डिस्टेंस होता 1, क्योंकि जब वेव चल रहा होता है ना बेटा ऐसे, तो 1 कंप्लीट साइकिल में फेज कितना बनता है, 2π, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, लैम्डा। तो 360 का जो आपको फेज बनेगा, 360 का जो आपका फेज बनेगा वो कब बनेगा, जब 1 मीटर के डिस्टेंस पे होते। तो बेटा 1 का फेज कब बनता, जब 1/360 होना चाहिए। और 60 डिग्री का फेस कब बनेगा, जब 1/360 × 60, दैट मीन पार्टिकल्स 1/6 मीटर के डिफरेंस में, राइट। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन सी की बात करें, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है π/4। बेटा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ऑप्शन सी चेक करते हैं, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा। ए का वैल्यू कितना है 0.01, और ओमेगा का वैल्यू कितना है बेटा 20π। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो टर्म मिलना था वो मिलना था π/5, ये बोल रहा है π/4, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। फेज ऑफ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग चेंज बाय 120 इज 1/10 सेकेंड। बेटा 120 फेज डिफरेंस 1/10 सेकेंड में बनेगा, चेक करते हैं बेटा इसका टाइम पीरियड कितना मिलेगा। देखो ओमेगा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20π, ओमेगा को लिख दें हम 2π/T, दैट विल बी 20π। तो बेटा टी का वैल्यू मुझे कितना मिला, 1/10, टी का वैल्यू मुझे 1/10 मिल गया। अब एक पूरे साइकिल मतलब 360 फेज में टाइम क्या लगता, 1/10। तो बेटा 360 फेज में टाइम लगता 1/10, तो बेटा 120 इसका 1/3 होगा, तो आपका आंसर जाना था 1/30, पर ये दिया हुआ 1/20, तो ये आपका रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, राइट बेटा। तो इसमें जो अच्छी बात थी वो क्या थी, आपको डिस्टेंस के साथ भी फेज पूछा है, आपको टाइम के साथ भी फेज पूछा, तो दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करते हैं बेटा। एक तो इसमें समझे आपको वाई का रिलेशन एक्स और टी के साथ दिया हुआ है, और आपसे एक पल्स का इक्वेशन है। अब पल्स और वेव में डिफरेंस क्या था, वेव बेटा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें ऐसे सिग्नल चलता रहता है, पल्स में रुक रुक के चल रहा होता है। तो बेटा आपसे इसमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करवा रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमें एक बात समझ में आती है, वाई इक्वल टू 0.84x + 5t² + 5, ऐसा इक्वेशन दिया बेटा, 4x + 5t² π। सबसे पहले बेटा एक एक ऑप्शन चेक करें। देखो एक तो इसने ये ऑप्शन पूछा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका 0.6 होना चाहिए। बेटा वाई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये कब मैक्सिमम होगा, जब ये टर्म मिनिमम हो, और ये टर्म कब मिनिमम होगा, 5 तो कॉन्स्टेंट है तो रिमेनिंग टर्म 0 है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 4x + 5t शुड बी 0। और बेटा 4x + 5t 0 हो गया तो y अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर लेगा, इट विल बी 0.8/5। सो बेटा ये आपका बोलेंगे 0.16, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरा, ये सिमेट्रिक पल्स है कि नहीं वो कैसे पता करें बेटा, किसके अबाउट पूछ रहे हैं, सिमेट्रिक पल्स आपसे पूछना चाह रहे हैं। अब सिमेट्रिक पल्स कैसे कैलकुलेट करें बेटा, टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, या मैं t = 0 अगर यहाँ पुट करता हूँ तो t = 0 पे ये जो y मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, 0.8/16x² + 5। अब देखो x का वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, y की वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है तो माइनस प्लस पे सेम वैल्यू मिलेगी। तो बेटा हमें देखो पहले वाले जो सॉल्व किया था ये वाला पार्ट, इससे हमें ये समझ में आ गया y की मैक्सिमम वैल्यू 0.16 है, और फिर x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी y घटेगा।
अब चाहे वो नेगेटिव साइड में बढ़े या पॉजिटिव साइड में बढ़े, वाई तो घटेगा, तो बेटा इसमें ये पल्स ऐसे जाएगी। दोनों तरफ सिमेट्रिक क्यों रहेगी बेटा इसमें? क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस के लिए वाई की सेम वैल्यू मिलेगा, यानी ये सिमेट्रिक पल्स भी, ये भी पता लग गया। इससे ये बात तो क्लियर हो गई, पल्स प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है क्या? नहीं, पल्स माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि आपने इक्वेशन पता होगा, अगर एक्स का मल्टीपल नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव। लेकिन इसको भी मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। बेटा इसी इक्वेशन को जो आपको गिवन है, ये वाला इक्वेशन, इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4x प्लस 5t का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0.8 अपॉन वाई। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको इधर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। इससे बेटा 4x प्लस 5t इक्वल टू कितना हो गया, 0.8y माइनस 5 का ये होल स्क्वायर चल रहा है। फिर देखिएगा, 4x प्लस 5t इक्वल टू हो गया बेटा 0.8 अपॉन y माइनस 5 का रूट। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू मिला मुझे बेटा मुझे 0.8 अपॉन y माइनस 5 का रूट माइनस 5t और डिवाइडेड बाय 4 भी हमने कर दिया ताकि x की वैल्यू आ गया। यानी बेटा इस फंक्शन को सॉल्व किया तो x का ये वैल्यू आया। अब बेटा इसको देख के अगर देखा जाए ध्यान से, तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन कितना है, इतना, और t इक्वल टू 1 पर पार्टिकल की पोजीशन, तो ये तो टर्म पूरा कांस्टेंट हो गया, ये वाला टर्म तो पूरा कांस्टेंट हो गया। अब t इक्वल टू 1 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या आएगी, ये कांस्टेंट प्लस 5/4। तो बेटा पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ये था, t इक्वल टू 1 पे नेगेटिव चला गया, यानी पार्टिकल माइनस x डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और देखो इस 1 सेकंड में t इक्वल टू 0 पर और ये t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन थी ये पूरा, और t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल की पोजीशन को ये माइनस 5/4। तो इस 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बेटा, 1 सेकंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हो गया 5/4, मतलब 1.25। तो 1 सेकंड में 1.25, तो 2 सेकंड में 2.5, तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने इसको सिस्टमेटिक तरीके से बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप एक्स को एक साइड रख लो और बाकी सबको दूसरे साइड ले जाकर, मतलब एक्स का एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैलकुलेट करो और फिर टी की दो वैल्यूज रख के देख लो, 0 और 1, ऐसा कुछ भी, और आपको पता लगेगा उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आएगा तो उससे वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट बेटा। वरना डायरेक्ट देखने का तरीका भी होता है, जो ट्रिक आप समझते हो वो क्या होता है बेटा, देखो देखो टी का मल्टीपल ओमेगा होता है और एक्स का मल्टीपल 4 होता है। तो यहाँ टी का मल्टीपल क्या है, 5, एक्स का मल्टीपल क्या है, 4। तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5/4, मतलब 1.25। यहाँ पे भी देखो वेलोसिटी 5/4 ही आया था, राइट बेटा। चलिए, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, IIT में आया हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ थोड़ा लेंदी आता है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर सिर्फ आपको ये क्वेश्चन देख के वाई के मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो हमें इस टर्म को जीरो कर लेना है, अगर आपसे सिमेट्रिक पूछेगा तो फिर एक बार देखना है कि एक्स की प्लस माइनस वैल्यू क्या, तो ऐसा कोई भी एक ऑप्शन पूछ सकता है, हो सकता है सारे ना पूछे आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है, ट्रांसवर्स वेव एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर जनरेटेड एट वन एंड एक्स इक्वल टू 0 ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रिंग बाई ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ 500। ठीक है बेटा, हम ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर रहे हैं जिसमें ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो आपको दिया हुआ है बेटा, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आपको कितना दे दिया, एन इक्वल टू 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया। एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज एक्स इक्वल टू 1 पर, बेटा एक्स इक्वल टू 1 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 0.05 नेगेटिव साइड, और एक्स इक्वल टू 2 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0.05 पॉजिटिव साइड। अब बेटा कोई भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव जो जाता है वो कितने साइकिल के बाद जाता है, हाफ साइकिल के बाद जाता है। इसका मतलब बेटा इसका हाफ साइकिल 1 से 2 के बीच में हो गया, यानी लैम्डा बाय 2 की वैल्यू, हाफ साइकिल में कितना डिस्टेंस बेटा, लैम्डा बाय 2, हाफ साइकिल में कितना डिस्टेंस, लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 की वैल्यू पता लगे 1, इससे लैम्डा की वैल्यू पता लगे 2, भाई लैम्डा मिल गया हमें, बहुत बढ़िया। अब क्या पूछ रहा बेटा, हाउ लॉन्ग कैन वी टेक द ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी जाने में कितना टाइम लगेगा, लैम्डा मुझे पता लग गया, वेलोसिटी मुझे पता है, तो वी इक्वल टू एन लैम्डा से बेटा वेलोसिटी तो दे रखा है 500, एन का वैल्यू कितना बेटा, वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करना है, एन का वैल्यू कितना है 500 और लैम्डा का वैल्यू कितना है बेटा 2, तो बेटा वेव वेलोसिटी कितना मिल गया 1000, वेव का वेलोसिटी पता लग गया। अब बेटा ये बोल रहा है ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पोजीशन ए है जहां एक्स इक्वल टू 1 है, ये पोजीशन बी है जहां एक्स इक्वल टू 2 है, यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 मीटर, वेलोसिटी है 1000, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना 1 और वेलोसिटी कितना 1000, तो आंसर आएगा 1/1000, सी आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन को अननेसेसरी थोड़ा लेंदी लैंग्वेज देके टफ किया हुआ है। अगर मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है,
बस इस इन दो को देख के इसने क्या पूछने की कोशिश की है, लैम्डा पता कर लो, उसके बाद तो केवल आपको डिस्टेंस इक्वल टू ये कैलकुलेट करना है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट द फ्रिक्शनल चेंज इन टेंशन नेसेसरी इन ए सोनोमीटर और फिक्स्ड लेंथ ऑफ प्रोड्यूस इन नॉट ऑफ ऑक्टेव लोअर। ठीक है बेटा, देखो जी ऑक्टेव मतलब टू टाइम्स, ये कहाँ से आता है बेटा? सा रे गा मा पा धा नी सा, सात सुर होते हैं, गाना नहीं गा रहा हूँ, सात सुर होते हैं ना। सा की फ्रीक्वेंसी जो होती है रे की थोड़ी ज़्यादा होती है, गा की और ज़्यादा होती है, माँ की और ज़्यादा होती है, पा की ज़्यादा होती है, धा की ज़्यादा होती है, नी की ज़्यादा होती है। अब सा के बाद जब फिर से सारा वापस ही आता है ना, तो आप बोलते हैं सुर कंप्लीट हो गए, और इसको होता है, उसको बोलते हैं ऑक्टेव पूरा होना। और बेटा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एन है तो लास्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी वापस हो जाती है टू एन होना, इसलिए आप बोलते हैं ऑक्टेव का मतलब टू एन हो, टू टाइम्स होना। लेकिन यहाँ बोला है ऑक्टेव लोअर, ऑक्टेव लोअर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में जाना, अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होते होते हाफ होगी। तो बेटा इस पर्टिकुलर केस में आपको ऑक्टेव लोअर बोला है, दैट मीन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? हाफ। अब आपसे पूछा है टेंशन में कितना चेंज करें, भाई एन प्रोपोर्शनल होता है रूट टी, फ्रीक्वेंसी हो गया हाफ, तो टेंशन क्या हो जाएगा? 1/4, यानी टेंशन फाइनल टेंशन हो गया इनिशियल टेंशन का 1/4। इसने पूछा है कितना चेंज होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन टेंशन, तो बेटा चेंज कितना होगा? 3/4 टाइम्स, भाई 1/4 हो गया ना, तो चेंज 3/4 हो जाएगा। सो आंसर विल बी ए। सिली मिस्टेक इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, जल्दबाजी में 1/4 1/4 टिक कर दे, पर बेटा अगर ये बोलता फाइनल टेंशन कितना है तो आप आंसर टिक करते 1/4, पर इसने बोला चेंज कितना हुआ तो फिर 3/4 टिक करेंगे, राइट बेटा। चलिए, ए वायर हैविंग लीनियर डेंसिटी 0.1 किलो अंडर टेंशन दिस वन, इट इज ऑब्जर्व दैट द रेजोनेट्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज एंड नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी दिस वन। बेटा देखिए, सबसे पहले लीनियर मास डेंसिटी टू टेंशन आपको दे दिया, तो इससे वेव वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो वेव वेलोसिटी कितना हो गया था? √T/m। टेंशन कितना है? 490। मास पर यूनिट लेंथ कितना है बेटा? 0.1। तो इससे वेव वेलोसिटी मुझे पता लगे 70। अब बोलेंगे सर वेव वेलोसिटी क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि बेटा ये लेंथ ऑफ वायर पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है। अब आप याद करो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और लैम्डा में रिलेशन होता है स्ट्रिंग के लिए, इसलिए मैंने कैलकुलेट किया था, है ना। अब ये दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज क्या बोल रहा है? 400 और 450, तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा बेटा? 50 से अगर कैंसिल करें तो 8:9। इसका मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 टाइम्स वाली है। अब हमारी 8 टाइम्स वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 8V/12L वायर के लिए, और दैट इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 400। तो बेटा V/12L इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 50। और बेटा V आपको दे दिया, L पूछा है, V का वैल्यू कितना? 70, 2L 50, L इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 70/100 मीटर, 0.7 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये आपका इसमें कॉन्सेप्ट था, है ना। अब कोई बच्चा बोलता है सर 450 वाले को क्यों यूज़ नहीं किया? भाई कर सकते थे, अगर आप 450 वाले को यूज़ करते तो यहाँ 8V/12L की जगह मुझे 9V/12L लेना पड़ेगा, राइट। तो आंसर दोनों से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन बेटा स्ट्रिंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोथ स्ट्रिंग शोज ए फिगर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल डायमीटर। बेटा देखो, मटेरियल सेम होने का मतलब डेंसिटी तो सेम है, लेकिन डायमीटर और ए बी, डायमीटर ऑफ सी डी इज डबल दैट एनी बी। बेटा ए बी का अगर रेडियस आर है तो सी डी का रेडियस 2R है, रेडियस दोनों के अलग अलग हो गए। दूसरा, यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन 2T हो गया, यानी सी डी वाले का बेटा डायमीटर ऑफ सी डी इज डबल, तो सी डी वाले का रेडियस भी डबल है और सी डी वाले का टेंशन भी डबल। अब वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/m, इसी को आगे सॉल्व करते तो बेटा m हो जाता है π r² d, पाई कॉन्स्टेंट, डी कॉन्स्टेंट, तो पाई और डेंसिटी का रूल तो खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा? T/r। तो क्या मैं ऐसा बोलूँ वी ए बी की वेलोसिटी V1 है, V2B की वेलोसिटी V2 है, ए बी और सी डी की वेलोसिटी पता लग गया, इक्वल टू किसके हो गया बेटा? √T1/T2 और R2² / R1² ये 1 किसको बोल रहा है? ए बी वाले को, और 2 किसको बोल रहा है? सी डी वाले को, क्योंकि रेशियो में हमेशा उल्टा होने के चांस होते हैं। तो ये पहले क्लियर कर लो बेटा, ए बी वाले का टेंशन कितना? टी। सी डी वाले का टेंशन कितना? 2T। ए बी वाले 1 ए बी वाले के लिए, आर वन मतलब बेटा ए बी वाला, ए बी वाले का रेडियस कितना है? R² और इसका रेडियस कितना है बेटा? 2R। तो ये हो जाएगा आपका 4R². तो अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? √2 आपका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन होगा। अगर आपने गलती से भी उल्टा लिख दिया ना तो 1/√2 भी आंसर आप टिक करके आ सकते हो, तो ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा टफ लग रहा है, पर ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझे। टू ग्राफ ऑफ सेम हार्मोनिक वेव्स आर शोन इन फिगर। बेटा दो अलग अलग ग्राफ है, पहला ग्राफ y और x के बीच में है। y और x के बीच में होने का मतलब क्या बेटा, y एक्सिस पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस पर वेव का डिस्प्लेसमेंट है। ये किसका, पार्टिकल का, ये वेव का है। दूसरे वाले ग्राफ में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रेशियो दिया हुआ है। आपके आपसे पूछा है स्पीड ऑफ वेव कितना होगा। बेटा देखो, यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया और एक साइकिल कंप्लीट होने वेव कितना चलती है, लैम्डा। तो बेटा मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई 4 सेंटीमीटर, लैम्डा की वैल्यू पता लगे। अच्छा इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया टाइम लगता है, टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड की वैल्यू मुझे पता लग गई कितना, 0.8 सेकेंड्स। लैम्डा पता लग गया, टाइम पता लग गया। अब आपसे पूछा है डिस्टेंस बेटा, स्पीड पूछा है, स्पीड क्या होता है, वी इक्वल टू एन लैम्डा। एन को क्या लिख दें, 1/T, लैम्डा बाई टी। लैम्डा की वैल्यू कितना है बेटा, 4, और इसका वैल्यू कितना है, 0.8। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था। सो आपका आंसर होना चाहिए बेटा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर रहेगा। तो दो अलग अलग चीज़ों से, एक से लैम्डा निकालना था और एक से टी निकालना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन थोड़ा सा भारी सा क्वेश्चन दिख रहा है, लैंग्वेज बहुत लेंदी है भाई, देखते हैं क्या क्या दे दिया। ट्रांसवर्स वेव आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इट वन एंड एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ ए वेव वायर स्ट्रेच्ड बाय एक्स एक्सिस इन द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग वाई एक्सिस। बेटा पार्टिकल का ऑसिलेशन वाई एक्सिस पे हो रहा है और वायर एक्स एक्सिस पे, मतलब वेव ट्रेवल करेगा एक्स एक्सिस पर। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क, भाई साहब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क दे दिया, मतलब हमें पता लग गया फ्रीक्वेंसी पता लग गया कितना बेटा, 400 हर्ट्ज, जिससे आप वायर को ऑसिलेट करा रहे। लीनियर मास डेंसिटी दे दिया 0.05, एम दे दिया बेटा 0.05 किलोग्राम पर मीटर। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल एट सेम साइड ऑफ एक्सट्रीम आर लोकेटेड एट 100। बेटा देखो पहला प्लस ए यहाँ पर है और दूसरा अगला प्लस ए यहाँ पर है, और बेटा दो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्डा। तो बेटा यहाँ लैम्डा भी मुझे पता लग गया कितना हो गया, 1 मीटर। भाई प्लस ए से प्लस ए के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो तो लैम्डा होता है, लैम्डा भी पता लग गया। अब आपसे बेटा ये सारे ऑप्शंस चेक करने, पहला टेंशन आपसे पूछा है बेटा, टेंशन कैसे पता करें, एन पता है लैम्डा पता है तो वेव का वेलोसिटी पता लग जाएगा बेटा, एन लैम्डा, वेव का वेलोसिटी पता लग गया 400। अब वेव का वेलोसिटी मुझे पता लग गया, लीनियर मास डेंसिटी मुझे दे रखा है, तो बेटा वेलोसिटी हो गया 400, स्ट्रिंग के लिए टेंशन टी कैलकुलेट कर रहा है, लीनियर मास डेंसिटी 0.05। तो बेटा इसको स्क्वायर करके सॉल्व करें तो टी का वैल्यू हो गया 16 × 10⁴ × 0.05। बेटा ये देख के समझ में आ रहा है 16 × 5 = 80, यानी 0.8 × 10⁴ आएगा, जबकि इसने टेंशन लिया 32 × 10⁴, हमारा आ रहा है 8 × 10�³, ये गलत हो गया। स्पीड ऑफ वेव 800 दिया, हमारे अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ वेव 400 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। वेवलेंथ ऑफ वेव हमारा आ रहा है 1 मीटर, ये बोल रहा है 2 मीटर, ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी। वैसे तो अगर आपके तीन चीज यहाँ तक गलत हो गए तो चौथा तो की दोगे कर दोगे, इतने स्मार्ट तो हम लोग वैसे भी हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं ये भी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 85, बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है ए ओमेगा, दैट विल बी 85, ऐसा दे दिया। अब आपने पूछा इसका एम्पलीट्यूड 10 है, चेक कर लेते हैं बेटा, ए ओमेगा की वैल्यू क्या लिखे, 2πn, n 400 दिया हुआ है इक्वल टू 80π। बेटा पाई से पाई कैंसिल, तो ए का वैल्यू हो गया 80/800, मतलब 1/10 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर। सो आपका आंसर डी करेक्ट है बेटा इसमें, राइट। तो चारों ऑप्शन हमने चेक किए, चारों ऑप्शन को देख के हमें जो समझ में आया उसके अकॉर्डिंग डी आंसर सही रहेगा, राइट। मैं इसीलिए बेटा पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ जिसमें ABCD चारों चेक कर पड़े, उससे क्या होता है एक ही क्वेश्चन से आपको कई चीज़ें समझ में आती है, तो आपके कई कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। ट्रांसवर्स वेव आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट वन एंड एंड एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा ये क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स वेव आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट वन एंड एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ ए वायर स्ट्रेच बाय एक्स एक्सिस इन ट्यूनिंग फॉर ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी दिस वन। अच्छा सेम क्वेश्चन बेटा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, ये वही वाला क्वेश्चन है, रिपीटेशन है ना, तो इस पर हम नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 4 सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटर, बेटा चार अलग अलग हार्मोनिक वाइब्रेटर दे रखे हैं, फर्स्ट आपको ये दे रखा है, सेकंड आपको ये दे रखा है, थर्ड आपको ये दिया हुआ है, फोर्थ आपको ये दिया हुआ है, ठीक है भाई साहब। अब आपसे पूछा जो रिजल्टेंट वो इतना होगा, बेटा पहले तो हम इनका रिजल्टेंट फेजर से चेक करें। आपको पता होगा जब भी दो या दो से ज़्यादा वेव कहीं पर सुपर इम्पोज होती हैं, जब भी दो या दो से ज़्यादा वेव कहीं पर सुपर इम्पोज होती हैं
तो बेटा उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है वो वेक्टर सम होता है। तो एक बार सबको बनाने की कोशिश करें बेटा, पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है एट, और इसके लिए फेस कितना है ओमेगा टी। मान लेते बेटा पहला वाला मैंने इधर बना दिया कितना एट, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड है फोर और ये पाई बाई टू के फेस पर है, तो दूसरा वाला इधर बना दिया पाई बाई टू के फेस पर फोर। तीसरे वाले का एम्पलीट्यूड टू है और ये पाई पर है, मतलब बेटा पाई मतलब 180 पे है, यानी यहाँ पर इसका फेज है टू। और चौथे वाले का एम्पलीट्यूड है वन और ये किस पर है थ्री पाई बाई टू, मतलब ये इसका मतलब ये चारों एम्पलीट्यूड बेटा वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर डायग्राम बनेंगे तो ऐसा बनेगा। अब देखिएगा एट और टू रिजल्टेंट हो गया इधर कितना बेटा सिक्स, फोर और वन रिजल्टेंट इधर हो गया कितना थ्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो सिक्स का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर 36 और नाइन रूट 45 का एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। यानी आंसर या तो ए होगा या बी होगा। अब एंगल भी पूछ रहा है बेटा, ये बोल रहा है एंगल कितना होगा। अब देखो हमारे सारे एंगल्स जो हमने देखे हैं ना वो एट वाले के साथ देखे हैं, इस वाले डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट को भी इसी के साथ देखना पड़ेगा आपको। तो बेटा मेरा जो ये आया ये एक्चुअल डायरेक्शन था जहाँ से हमने रेफरेंस लिए हैं सारे, और जो सिक्स और थ्री का रिजल्टेंट आएगा ये वाला। तो ये एंगल अगर थीटा देखा जाए, ये आपका कितना था सिक्स, ये आपका कितना आया था बेटा थ्री, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा थीटा वो टेन थीटा की वैल्यू कितना होगा बेटा वन बाय टू। तो आपका टेन थीटा वन बाय टू का मतलब टेन इनवर्स वन बाय टू आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन होगा बेटा रूट 45 तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और टेन इनवर्स वन बाय टू पे रहेगा, यानी इसका जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका फेजर या उसका इनिशियल फेज आपका यहाँ पर होना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। अभी जो क्वेश्चन किया था ना लगभग वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आप मान लिख के चलें। देखते हैं, ए ट्रांसवर्स वेव इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, द फर्स्ट पिक्चर शोज द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेटा ये किसके साथ दिया हुआ है आपका, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, तो बेटा ये तो आपका इधर की तरफ डिस्टेंस एक्स हो गया और सेकेंड वाले में इधर आपका टाइम हो गया, तो एक में एक्स हो गया एक में टी हो गया, ये हमें समझ में आ गया। अब क्या पूछा इसने बेटा इसके बाद, हाउ फार डज द वेव ट्रैवल अलॉन्ग द स्ट्रिंग वन सेकेंड। बेटा एक सेकेंड में कितना दूर वेव जाएगा ये पूछा है। बेटा एक सेकेंड में कोई भी जितना ट्रैवल करता है वो एक्चुअली उसका क्या होता है वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ वेलोसिटी ही पूछा है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी एक क्वेश्चन किया था लैम्डा बाय टी, लैम्डा मतलब वेव लेंथ। बेटा वेव लेंथ यहाँ से समझ में आया बेटा, इसका ये वेव लेंथ हो गया कितना एट और टेन के बीच में नाइन, वन साइकिल कितने में नाइन सेंटीमीटर में, तो वन साइकिल में डिस्टेंस ट्रैवल किया नाइन सेंटीमीटर, तो ये तो वेव लेंथ हो गया। टाइम बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँच गए कितने में थ्री सेकेंड्स में, तो थ्री, तो आंसर जो आएगा वो आएगा थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में कितना चलेगा बेटा थ्री सेंटीमीटर चलेगा, तो आपका ये आपका इलेवंथ क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आ जाएगा थ्री सेंटीमीटर। तो दोनों ग्राफ को देख के हमने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल। बेटा देखिए जब भी ऐसा कोई रेशियो दिया जाए ना, एक से ज़्यादा टर्म दिया जाए, तो जो चीज़ें कॉन्स्टेंट है पहले तो वो लिख लो। L क्या बोला है सेम, मटेरियल सेम मतलब डेंसिटी भी क्या बोल दिया भाई सेम, ऐसा लिखने से आपको थोड़ा इजी लगेगा। डायमीटर्स का रेशियो आपका 4:3:1 है, ये रेशियोस किसका दे रखा है डायमीटर या रेडियस का, एक ही बात है डायमीटर रेडियस रेशियो तो सेम ही रहेगा। कई बच्चे तो क्या करते हैं पता है, डायमीटर का रेशियो दे रखा होता है ना तो रेडियस के रेशियो के लिए उसको हाफ कर देते हैं कि सर ये तो डायमीटर का रेशियो दिया। बेटा जो डायमीटर का रेशियो होगा वही रेडियस का भी रेशियो होगा भाई। आर क्लैम्प्ड इन ए सच ए वे दैट द ईच वायर प्रोड्यूस नॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी डबल दैट ऑफ प्रीसीडिंग वायर। बेटा हर वायर पहले वाले से डबल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहला वायर n, तो दूसरा 2n, तो तीसरा 4n, चौथा 8n, ये हो गया। अब फर्स्ट वाले को टेंशन दिया हुआ है 2 किलोग्राम वेट, सेकंड का टेंशन पूछा है। बेटा हमारा फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 1/2l रूट टी अपॉन पाई आर स्क्वायर डी। जो जो टर्म कॉन्स्टेंट है उसको पहले तो हटा दें, लेंथ कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो हमें समझ में आ गया एन प्रोपोर्शनल रूट टी बाय आर, तो टी प्रोपोर्शनल एन आर का स्क्वायर। तो बेटा टी टू बाय टी वन इक्वल टू एन टू बाय एन वन आर टू बाय आर वन का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेशन बचा है, सेकंड का टेंशन कैलकुलेट करना है, फर्स्ट का टेंशन कितना है बेटा टू क्वेश्चन में दे दिया, सेकेंड की फ्रीक्वेंसी 2n, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी n, सेकेंड का रेडियस 3, फर्स्ट का रेडियस 4, इसका होल स्क्वायर कर दे बेटा। तो बेटा यहाँ से t2 बाय 2 इक्वल टू 9/4, तो ये आंसर आएगा बेटा 4.5, सो फाइनल आंसर विल बी 4.5, ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। लगे समझ, ये आपको करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरफेरेंस का सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, कभी दो वेव है बेटा, दोनों की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटीज दिया हुआ है, एक का इंटेंसिटी कितना है I1, दूसरे का इंटेंसिटी कितना है 9I0, और जो रिजल्टेंट है उसका इंटेंसिटी कितना है 7I0, फेज डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। बेटा इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I = I1 + I2 + √I1 I2 cos φ, ये फॉर्मूला होता है बेटा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी 7I0, फर्स्ट की इंटेंसिटी I0, सेकेंड की इंटेंसिटी 9I0 प्लस 2I0 9I0 cos φ। अब बेटा सॉल्व करें तो 9I0 और I0 10I0 इधर जाके होगा -3I0, और इधर हो गया था 9I² √3 × 2 6I0 cos φ। तो बेटा cos φ की वैल्यू हो गई -1/2, -1/2 का मतलब हो गया आपका 120 डिग्री। अब इसमें कई बार बच्चे एक चीज़ से कन्फ्यूज होते हैं, सर इसने मिनिमम फेज डिफरेंस वर्ड क्यों बोला है, क्योंकि बेटा कॉस की वैल्यू -1/2 तो इसके अलावा भी बाकी पोजीशंस पे हो सकती है ना, तो कॉस की वैल्यू -1/2 एक ही पोजीशन पे नहीं हो सकती, और इसके आगे आ सकता है भाई, कॉस की वैल्यू और कहाँ हो सकती है, सोचो -1/2, यहाँ पर सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पर कॉस नेगेटिव है, यहाँ भी कॉस नेगेटिव हो सकता था, यहाँ भी कॉस नेगेटिव हो, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अलग अलग वैल्यूज आपकी जा सकती है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जस्ट ऐसे मजाक मचाक वाला, थोड़ा सा मोटिवेट कर दे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज एनर्जी नॉट कैरीड, बेटा स्टेशनरी वेव में एनर्जी कैरी नहीं करता है, क्यों, स्टेशनरी वेव में पार्टिकल एक वेव अगर इधर जा रहा है तो दूसरा वेव क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा, मतलब ये वेव इधर गया डिस्प्लेस होके वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, तो रिफ्लेक्ट होके जाता है, तो जितना वेव इधर से जा रहा है, मतलब ऐसा सोचे मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है और इसके बीच में वेव अगर बन रहा है, तो वेव बेटा यहाँ गया टकरा के वापस आ गया, तो जितना एनर्जी डिस्प्लेस हुआ उतना एनर्जी वापस आ गया, तो आपने बोला एनर्जी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उसी को तो हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं, तो ये बेटा आपका आंसर आएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर कैरिंग ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg एंड डेंसिटी 1.8 इज 260 व्हेन द ब्लॉक इज कंप्लीटली इमर्ज इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.9 व्हाट विल बी द न्यू फ्रीक्वेंसी। देखो किसी भी सोनोमीटर वायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा, किसी भी सोनोमीटर वायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है एन, वो होता है 1/12 √T/m। लेंथ में हम चेंज कर नहीं रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होता है, ये कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो सर, मास चेंज हो जाएगा अगर आपने इसको पानी में इमर्स कर दिया तो, बेटा ब्लॉक का मास चेंज होता है, ये तो स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ है, ये तो πr²d बनता है, तो रेडियस और डेंसिटी थोड़ी चेंज हुआ, तो बेटा मुझे एक बात समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी √T के, इसका मतलब मुझे टेंशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ये बात मुझे क्लियर हो गई। अब जब एयर में था तो ब्लॉक का मास कितना था 1 kg और डेंसिटी क्या है 1.8, इसी को आपने वाटर में इमर्स कर दिया, किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया, तो टेंशन कितना होगा बेटा, जैसे ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है इसको आप लिक्विड में इमर्स करोगे ऐसे, तो बेटा mg नीचे लगेगा, बायोन्सी ऊपर लगेगा, तो जो इफेक्टिव टेंशन होगा वो कितना होगा mg - बायोन्सी, m- ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो बेटा इफेक्टिव टेंशन हो गया mg1 - m-m, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसको, T = mg1 - m- होता है बेटा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी अपॉन m ऑब्जेक्ट का मास वॉल्यूम इनटू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ये सॉल्व करना था T-, ये T- है ना, फर्स्ट केस में T माना हुआ है हमने, तो T = mg1 - बेटा लिक्विड की डेंसिटी अपॉन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, T - बेटा फर्स्ट केस में टेंशन कितना था T, सेकंड केस में फर्स्ट केस में टेंशन mg था, तो mg को T लिख दिया, 1 - लिक्विड की डेंसिटी कितना है बेटा 1.2 और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितना है 1.8, तो बेटा ये हो गया 2/3, तो T- की वैल्यू कितनी हो गई T/3, टेंशन 1/3 हो गया। अब यार टेंशन अगर 1/3 हो गया तो अगर हमसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो n = √T, तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा n/√3, n/√3 बेटा ये कितना दिया हुआ है 260, और 260 को किससे डिवाइड कर देंगे √3 से आप डिवाइड कर देंगे, तो √3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रॉक्स कितना आंसर आ जाएगा 260/1.7, कैलकुलेट कर लें अप्रॉक्स 150 आ जाएगा बेटा ये, राइट, ये आपका आंसर होगा। तो कुल मिला के बायंसी और इसको लेके कंबाइंड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्ट्रेच्ड वायर है ऑफ लेंथ 114 cm डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बेटा ये एक स्ट्रेच्ड वायर है,
इसका टोटल लेंथ कितना है 114, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जिसके फ्रीक्वेंसी का रेशियो, बेटा इसका फ्रीक्वेंसी एन, इसका फ्रीक्वेंसी 3n और इसका फ्रीक्वेंसी 4n है, सॉरी अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो ये है तो लेंथ पूछा है बेटा इनका, बेटा एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, तो बेटा फ्रीक्वेंसी का रेशियो 134, तो आप बोलेंगे सर लेंथ का रेशियो हो जाएगा 1:1/3:1/4। कई बच्चे तो कैसी कयामत करते हैं, हो सकता है आप इसमें कुछ बच्चे करें कि सर फ्रीक्वेंसी का रेशियो 134 है, लेंथ इन्वर्स होता है तो लेंथ का रेशियो हो जाएगा 431, भाई इधर से चल रहे थे 134, इधर से कर दो सर 431 हो गया, यही तो इन्वर्स होता है, ये इन्वर्स नहीं होता बेटा, इन्वर्स का मतलब 1/3 भी जाना है, राइट। तो बेटा लेंथ का रेशियो 1:1:3:1/4। अब थोड़ा इजी कैलकुलेशन रहेगी, हम इसको एक कॉमन चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12:4:3, तो बेटा ये लेंथ का रेशियो आ गया 12:4:3, यानी मुझे 114 सेंटीमीटर को 12:4:3 में डिवाइड करना है। अब बेटा 12:4:3 हो गया 19, तो 19 में से फर्स्ट पार्ट होगा 12, यूनिट में से होगा बेटा 12/19 और मेरे पास 114 है, 114 में से 12/19 × 114, 19 का टेबल आई थिंक आता होगा 6 टाइम्स और 6 × 12 हो गया 72, तो फर्स्ट पार्ट आपका 72 होगा और अकॉर्डिंगली फिर आपका 24 और 18 भी आ जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो 74, 24, 81, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए भाई ये आपका 6 टाइम्स हो गया 12/19, दूसरे वाले में क्या बनेगा ये 4/19 × 6, तो 6/9 114/19 तो 6 आएगा, तो 6 × 4 = 24 आएगा, तीसरे वाले में 6 × 3 = 18 आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लग रहा है बेटा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, पर ये इतना सिंपल क्वेश्चन है ना फिर भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या माइंड में लेके चलते हैं, सर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एक का एम्पलीट्यूड 2a है, एक का a है, तो जो इंटेंसिटी का रेशियो हो जाएगा वो 4:1 हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। पर ध्यान से देखें बेटा, इंटेंसिटी सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, ऐसा नहीं है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 2π² n² a² ρv। अब दोनों वेव सेम मीडियम में है तो दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों की डेंसिटी सेम, दोनों का पाई सेम, दोनों का 2 सेम, तो इंटेंसिटी n² a² पे डिपेंड करेगी। तो बेटा आप बोलेंगे I1/I2 = n1/n2 a1/a2² फर्स्ट वाली वेव जो है ये आपका सेकंड वेव है, ये आपका फर्स्ट वेव मान लेते हैं, फर्स्ट वाली वेव जो है वो बेटा 2 साइकिल कंप्लीट कर रही है जितनी देर में सेकंड वाली 1 साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो बेटा फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 2n, तो सेकंड की फ्रीक्वेंसी n, फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड a और सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड 2a, तो अल्टीमेटली बेटा ये भी 2 ये भी 2 कैंसिल होकर 1:1 आंसर आएगा। तो ऐसा नहीं कि एम्पलीट्यूड से आंसर बताएं, आपको फ्रीक्वेंसी भी देखनी पड़ेगी साथ में, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईच ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 51.6 and 49.6 आर टेंशन सेपरेटली बाय 20 न्यूटन, बेटा दोनों का टेंशन की वैल्यू दे दिया है 20 न्यूटन। अब आपसे क्या पूछ रहा है, टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आपको ये दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है 1 ग्राम, देन व्हेन द बोथ स्ट्रिंग्स वाइब्रेट साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ बीट्स आपसे पूछा है। बेटा देखो पहले तो टेंशन और मास पर यूनिट लेंथेस की वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले, √T/m, टी का वैल्यू बेटा 20, ये बेटा 1 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट किया, तो इसको सॉल्व करें तो वी का वैल्यू जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा √2 × 100, मैंने वेलोसिटी पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया। अब बेटा आपसे पूछा है कितने बीट्स सुनाई देंगे, बेटा जिसका लेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो बेटा इसमें अगर बीट्स पूछा जाए आपसे तो बीट्स क्या लिखेंगे, V/2 × 49.1 - V, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है V/12, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था V/12, तो ये 2 × 51.6। अब बेटा सॉल्व करें तो V/2 तो मैंने पहले ही बाहर ले लिया, LCM बेटा 49.1 × 51.6, तो 51.6 - 49.1, और बेटा ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो 100 से डिवाइड ऊपर 100 से डिवाइड, तो ये 100 ऊपर बच जाएगा। अब बेटा सॉल्व करें इसको तो V/2 ये आपका हो गया 2.5 upon 49.1 × 51.6 × 100, और बेटा V का वैल्यू भी रख दें यहीं से, तो V का वैल्यू भी अगर पुट करेंगे तो बेटा V का वैल्यू होगा √2/100, तो यहाँ से बेटा ये आपका बनेगा √2/100 upon 2 into
2.50 इंटू 100 कितना बेटा 250, 250 अपॉन 49.1 इंटू 51.6। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर जो आपका आता है बेटा वो अप्रॉक्स 7 आ जाता है। सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मतलब देखा जाए तो इसका कैलकुलेशन करना है तो आपका आंसर 7 आएगा। इसको आप कंप्लीटली आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर मिल जाएगा, राइट बेटा। बाकी कोई समस्या नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बस दोनों का लेंथ अलग था इसलिए आपका बीट्स प्रोड्यूस हो गया, वरना बीट्स प्रोड्यूस होने के चांस भी थोड़े यहाँ नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल एंड मास एम वन, भाई ये रोप है, इस रोप का लेंथ जो आपको दे रखा है बेटा वो आपको क्या दे रखा है एल, और इसका मास कितना दे रखा है एम वन। इसके साथ आपने एक दूसरा ब्लॉक यहाँ अटैच कर दिया बेटा जिसका मास कितना है एम टू, ठीक है। एक ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ, बेटा यहाँ पर जो पल्स है ना उसका वेवलेंथ है लैम्डा वन, इस प्रोड्यूस एट लोअर एंड ऑफ द रो द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे बेटा आपको लैम्डा टू दिया हुआ है तो लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। अब देखिएगा बेटा यहाँ से वेव यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से वेव यहाँ तक जा रहा है, तो बेटा हमारा जो फॉर्मूला होता है वी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है रूट टी, तो बेटा लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट टी, तो अल्टीमेटली लैम्डा टेंशन के रेशियो में जाएगा, तो लैम्डा टू बाय लैम्डा वन इक्वल टू टेंशन, बेटा यहाँ पर टेंशन ये दोनों मास देंगे तो बेटा रूट एम वन प्लस एम टू, और यहाँ पर टेंशन केवल एम टू देगा अपॉन एम टू, तो आंसर आ जाएगा आपका बी। तो 19th का जो आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा बेटा, राइट। तो बहुत ज़्यादा समस्या इसमें नहीं होती है, सीधा सीधा बेटा मास के रेशियो से लैम्डा चेंज होने वाला है, राइट। कोई डाउट हो तो ठीक है, समझ नहीं एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, देख के थोड़ा डरावना लग रहा है कि सर ये क्या मैकेनिक्स जैसा क्वेश्चन आपने वेव में दे दिया, कुछ टफ नहीं है बेटा। देख लो एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये ब्लॉक दिया हुआ है, स्ट्रिंग की डायरेक्शन ये, स्ट्रिंग पर बेटा टेंशन मान लेते हैं इधर है, भाई अल्टीमेटली हम कैसे सॉल्व करना है, हमें पता क्या करना है पहले तो देखें। इस ये मास दे दिया बेटा 1 kg, ठीक है, सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग पासेज ओवर ए लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड, बेटा ये एक रॉड है हॉरिजॉन्टल रॉड ये, और एक स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे निकल रही है इस पर, राइट। थीटा आपको एंगल दिया हुआ है, जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रेनिंग वेव इन पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग अबाउट द रॉड, बेटा यहाँ पर ये जो रोप है ना ये वाला, इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है वी बाय टू एल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है वी बाय टू एल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ नहीं हाँ रॉड एफ, अच्छा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको एफ दे दिया, एफ की वैल्यू दे दिया वी बाय टू एल जिसे हम एन बोलते थे, डिटरमाइन द मास ऑफ दिस पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, बेटा स्ट्रिंग का मास आपसे पूछा है। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं स्ट्रिंग पर टेंशन है टी, तो टी के दो कंपोनेंट बेटा ये और ये, तो बेटा ये टी कॉस थीटा ये टी साइन थीटा, तो हमारे अकॉर्डिंग जो टी साइन थीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है एम जी, तो सबसे पहले तो ये पता लग गया टी साइन थीटा की वैल्यू हो गई एम जी के बराबर, तो बेटा टी का वैल्यू मुझे पता लग गया एम जी अपॉन साइन थीटा। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है एन इक्वल टू वी बाय टू एल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला एफ टू, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बेटा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बेटा ये कैपिटल एल रॉड का लेंथ दिया हुआ है, तो स्ट्रिंग का लेंथ कैसे कैलकुलेट करें कॉस थीटा इक्वल टू एल बाई एल, तो बेटा स्ट्रिंग का लेंथ आपका हो जाएगा, स्ट्रिंग का लेंथ में थोड़ी देर के लिए स्मॉल एल मान लेता हूँ, तो स्ट्रिंग का लेंथ हो जाएगा एल बाई कॉस थीटा, तो बेटा यहाँ पे टू इसकी स्मॉल एल की जगह एल बाय कॉस थीटा, और वी की जगह बेटा रूट टी बाय एम, मास पर यूनिट लेंथ ये मुझे कैलकुलेट करना है बेटा, यहीं से अगर इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 4f स्क्वायर l, ये तो इधर चला गया, इधर क्या बचा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी बाय एम, ये आपका वैल्यू गया। अब आगे बढ़े 4f स्क्वायर l इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, l का वैल्यू मास ऑफ दिस पोर्शन, बेटा मास आपसे पूछा है, यहाँ पे t का वैल्यू तो मुझे पता है बेटा, t का वैल्यू कितना मिल गया था मुझे mg बाय साइन थीटा, और स्मॉल m क्या है बेटा मास पर यूनिट लेंथ, तो बेटा मास पर यूनिट लेंथ को मैं टोटल मास इंटू लेंथ लिख दूँ, तो टोटल मास कितना हो गया इसका m डैश, और लेंथ कितना बेटा इसका स्मॉल l, तो बेटा स्मॉल l आपने यहाँ पर लिख दिया, राइट बेटा। अब इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा सा हम, तो हमें एक बात समझ आती है 4f स्क्वायर l इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या आपने थोड़ा सा क्या करें स्मॉल l की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है ना बेटा, देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल l को लिखा l बाय कॉस थीटा, कहाँ से स्मॉल l को लिखा l बाय कॉस थीटा, यहाँ पर भी आपका स्मॉल l आएगा। एक काम करो थोड़ा सा आपका इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, दो बार l नहीं रखना पड़ेगा, यहीं पर स्मॉल m को क्या लिख दें मास पर यूनिट लेंथ, और ये आपका l चलता ही है,
मैंने क्या किया, स्मॉल एल यहाँ पे रख दिया और अंदर जो टी बाय एम होता था वो मास पर यूनिट लेंथ होता था, तो ये हो जाएगा एम इंटू एल। अब देखो यहाँ एल, यहाँ एल, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट एल, तो इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4F² L अपॉन टी अपॉन एम डैश, ये आपका आंसर है बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4F² स्मॉल एल की वैल्यू अब रख देते हैं अपन एल बाय कॉस थीटा इक्वल टू टी का वैल्यू कितना बेटा एम जी बाय साइन थीटा इंटू एम डैश। एम डैश की वैल्यू कैलकुलेट करो बेटा, एम डैश को इधर ले आए तो साइन अपॉन कॉस टेन, एम डैश की वैल्यू आपसे पूछा है तो बेटा इधर आपका हो जाएगा एम जी, ऊपर तो क्या बचेगा सिर्फ एम जी और बाकी सब चीज़ें नीचे आ जाएगी, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू टेन थीटा और साथ में 4F² L tan थीटा, 4F² L tan थीटा, 4F² L tan थीटा, एम जी अपॉन 4F², ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको शायद इस जगह प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं बेटा, इसको मैंने क्यों इस तरह से सॉल्व किया है समझ लो एक बार। हम दो दो बार L रखना पड़ता, एक बार हमें यहाँ L का वैल्यू रखना पड़ता फिर एक बार यहाँ रखना पड़ता, तो मैंने पहले स्टेप में क्या किया इसको तो V/2L रहने दिया ऐसे ही, तो V/2L रहने दिया और जो M होता है मास पर यूनिट लेंथ, इसमें बेटा जो M था मास पर यूनिट लेंथ उसको लिख दिया स्ट्रिंग का टोटल मास इंटू L, तो देखो रूट L ऊपर रूट L पूरा L नीचे, तो रूट से नीचे रूट L आ जाएगा, तो फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4F² L होगा, तो L की वैल्यू एक ही बार रखनी पड़ेगी आपको। तो टफ क्वेश्चन नहीं था, बस दो चीज़ें जो माइंड में रखनी है वो क्या याद रखनी है, स्ट्रिंग का लेंथ एक तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना और इसके टेंशन इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, बाकी जो हमारे फॉर्मूला में आता है उसी से सॉल्व किया हमने, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ ए बी इज 0.4 मीटर। बेटा देखो इसका जो रॉड का लेंथ है वो कितना दे दिया आपको, रॉड का लेंथ दे दिया 0.4 मीटर, 40 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, एंड 1.2 kg सस्पेंडेड बाय 2.4 मीटर, मास 1.2 सस्पेंडेड बाय 2 आइडेंटिकल वायर ऑफ ए सीलिंग दिस वन, वेयर शुड बी मास। बेटा इसका जो मास दे रखा है mg वो इधर लगेगा बेटा, उसका वैल्यू कितना है 1.2, तो 12 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अब इस पर 4.8 किलो का एक ऑब्जेक्ट और आपको लटकाना है, वो मान लेते मैंने यहाँ लटका दिया, इसका वेट कितना हो गया 48 न्यूटन, 4.8 g मतलब 48 न्यूटन। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ है, जो करना चाह रहा है वो क्या है, सस्पेंडेड फ्रॉम द रोड सो दैट ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज़ इन रेजोनेंस विद द फर्स्ट वायर। बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एन की वैल्यू है 256 और इधर आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी कितना है फर्स्ट ओवरटोन। बेटा किसी भी वायर का फर्स्ट ओवरटोन जो होता है वो होता है उससे अगली फ्रीक्वेंसी, तो ये एन, तो ये कितना हो गया 2n, यानी बेटा दोनों तरफ मुझे फ्रीक्वेंसी पता लगे एन और 2n। अब बेटा फ्रीक्वेंसी का रेशो 1:2 है तो टेंशन का रेशो 1:4 होगा, कौन से फार्मूला से, एन प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन हो गया बेटा 4t, ठीक है भैया टेंशन पता लग गया। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि ये डिस्टेंस एक्स कितना होगा, ये डिस्टेंस एक्स मैं यहाँ इसको अलग से बना रहा हूँ एक बार बेटा, इधर टी, इधर 4t, यहाँ पर 48 न्यूटन, यहाँ पर 12 न्यूटन, ये डिस्टेंस एक्स ये आपको दिया हुआ है और ये मिड पॉइंट पर रहेगा 12 न्यूटन जो है, तो ये एल बाई टू और एल बाई टू होगा, राइट। अब आपको बोल रहा है बेटा कि हमें ये एक्स पता करना है, बेटा हम क्या करें, एक इक्वेशन तो क्या बन रहा है टी ऊपर 4t ऊपर टोटल नीचे, तो बेटा टोटल ऊपर फोर्स कितना हो गया 5t और टोटल नीचे फोर्स हो गया 60, तो टी का वैल्यू मुझे पता लग गया 12, टी का वैल्यू पता लग गया भाई साहब, ठीक है टी पता लग गया। अब आपको ये एक्स का वैल्यू पूछा है, बेटा अगर ये पूरी हॉरिजॉन्टल रॉड बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड होने का मतलब टॉर्क भी बैलेंस हो जाएगा, तो टॉर्क का वैल्यू कैसे पता करें, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर ले, सपोज आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो इसका टेंशन इसका टॉर्क कितना 0 क्योंकि यहाँ रोटेशनल एक्सिस मान लिया, इसका कितना बेटा 48 × x, इसका कितना 12 × L/2, L/2 मतलब 0.2, 0.4 टोटल लेंथ था, इक्वल टू इसका कितना बेटा 40 कितना 48 × 0.4, बस बेटा ये सॉल्व कर ले, तो 48x इक्वल टू इसको उधर लेके आया 12 × 0.2 48 × 0.4, तो बेटा 48 × 0.4 माइनस 12 × 0.2, 48 × 4 ये हो जाएगा बेटा 292 मतलब 29.2 माइनस ये हो गया बेटा 12 × 4 2.4, ये कैलकुलेट सही किया हमने 4 19.2, राइट, तो 19.2 में से 2.4 वापस चला गया बेटा, तो ये आपके माइनस होगा 19.2 से 18.2, 18.2 से 17.2, 16.8, 48x, और इससे हमें x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, राइट 48, हाँ
एक्स का जो वैल्यू कैलकुलेट करके आता था 48 × 68, ये हो जाएगा आपका, एक बार कैलकुलेशन देख लो यहाँ पे, 5t ऊपर फोर्स, नीचे बेटा 60 का फोर्स, तो टी का वैल्यू 12, तो यहाँ पर टेंशन 12 और यहाँ पर टेंशन 40, 40 का मतलब 48 हो गया। अब बेटा इस पॉइंट के बाद टेंशन कैलकुलेट किया तो 48 × x, इसका टॉर्क इधर 12 × 0.2, टोटल लेंथ फॉर 12 × 0.2 इधर टॉर्क, और इधर कितना बेटा 48 × 0.4, 48 × 0.4 मल्टीप्लाई करें तो 32 का 2 3 19.2 ये आएगा, माइनस ये कितना आएगा बेटा 12 × 0.2, हाँ 12 × 0.2, इसके अबाउट देख रहे हैं ना, हाँ 12 × 0.2, तो ये हो गया आपका 2.4। अब 19.2 में से 2.4 अगर हम माइनस करते बेटा, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है आपकी 19.8, 16.8, 17.8, 18.8, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा बेटा, कर लेंगे सॉल्व। तो ये आपको केवल करना था, अब एक्स अगर मिल गया मतलब यहाँ से मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। टेंशन 40 क्यों हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल था और एन प्रोपोर्शनल टू रूट टी हो जाता है, तो यहाँ पे 12, डिस्टेंस 0.2 हो गया, 48 × 0.4। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू यूनिफॉर्म वायर ऑफ वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली इन द फंडामेंटल नॉट्स द टेंशन इन द, बेटा देखो टेंशन का रेशियो कितना दिया हुआ है, T1/T2 का रेशियो, थोड़ा सा जल्दी देखें, T1/T2 का रेशियो आपको दे दिया 8:1। लेंथ का रेशियो L1/L2 कितना बेटा 36:35, लेंथ का रेशियो दे दिया। और क्या दिया बेटा, डेंसिटी का रेशियो D1/D2 का रेशियो कितना 4:1, और लास्ट में आपका नहीं डायमीटर का रेशियो दिया, ये रेडियस का रेशियो दिया बेटा, रेडियस का रेशियो 4:1 और डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है 1:2। अब आपसे पूछा है दोनों में से एक फ्रीक्वेंसी 360 है जो कि हायर वाली है, तो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, n = 1/2L√T/πr²d, ये फार्मूला होता है बेटा। क्या क्या चीज़ें हटा दे, 2 और पाई हटा दे, तो n प्रोपोर्शनल √T/√D(r)/L। तो बेटा फार्मूला देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, n1/n2 = L2/L1 R2/R1, रूट के अंदर D2/D1 और T1/T2, सारे वैल्यूज पुट करना शुरू करें बेटा। L1/L2 है 36/35, तो L2/L1 होगा 35/36, R2/R1 है 4:1, तो ये हो जाएगा बेटा 1:4, T1/T2 8:1, तो ये हो जाएगा बेटा 1/8, T1/T2 ही है, और D2/D1 बेटा D1/D2 है 1:2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2:1। अब देखो बेटा 8 × 2 = 16, 16 = 4 से कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो बना बेटा वो 35/36 बना। अब इनमें से हायर वाली फ्रीक्वेंसी बेटा, इसमें से ये कम है ये ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी भी ये कम होगी ये ज़्यादा होगी, तो हायर वाली फ्रीक्वेंसी 360 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा n1/360 = 35/360, तो n की वैल्यू आ जाएगा बेटा 350, यानी बीट्स कितने सुनाई देंगे 10 के बीट्स सुनाई देंगे, एक 30, 350, एक 360। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात थी लास्ट में, n1 कहाँ रखना है, n2 कहाँ रखना है, तो बेटा ज़्यादा नीचे था तो नीचे वाली आपकी फ्रीक्वेंसी 360 होगी, ऊपर वाली 350 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेटल वायर ऑफ डायमीटर 1 mm स्ट्रेच विद ए टेंशन ऑफ 100 N बेटा बिटवीन ब्रिजेस ऑफ 50 cm अपार्ट, ठीक है, इट वाइब्रेट्स विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 5 beats विद ए ट्यूनिंग फॉर्क, द सेम नंबर ऑफ बीट्स हर्ड विद टेंशन। देखो बेटा ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है n, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, हमने मन से माना, वो हमें कैलकुलेट भी करना है ना। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी n है, और ये बेटा जब टेंशन 100 था तब 5 beats दे रहा है, और जब टेंशन 81 है तब भी 5 beats दे रहा है। इसका मतलब वायर के दो अलग अलग, सुनो, वायर के दो अलग अलग टेंशन्स पे बीट्स 5 मिल रहे हैं। इसका मतलब बेटा किसी एक बार फ्रीक्वेंसी n-5 रही होगी, एक बार n+5 रही होगी। अब इनमें से कब n-5 कब n+5, बेटा n proportional T से जहाँ फ्रीक्वेंसी कम वहाँ टेंशन कम, तो ये 81 N पे रही होगी और ये 100 पे रही होगी। अब वैल्यू पुट कर दें, n2/n1 = √T2/T1, सेकेंड वाले के लिए फ्रीक्वेंसी n+5, दूसरे के लिए n-5, जिसके लिए n+5 उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेंशन 100 और दूसरे वाले के लिए 81, तो ये हो गया बेटा n+5/n-5 = 10/9, 9n+45 = 10n-50,
तो बेटा एन इक्वल टू हो गया 95, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री सक्सेसिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये जरा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कहाँ आप गलती करोगे वो भी मैम आपको, कहाँ आप गलती करोगे। ये बोल रहा है तीन सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, किसका, स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग की तीन सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी है 90, 150 और 210। तो इनका रेशियो हो गया बेटा 210 है और 3, 5 और 7 ऑड मल्टीपल्स हैं। अब देखो जब ऑड मल्टीपल्स होते हैं ना तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आती है V/4L, नेक्स्ट आती है 3V/4L। अगर इवन और दोनों होते हैं तो पहली फ्रीक्वेंसी आती है V/12L, अगली आती है 2V/12L। जनरली स्ट्रिंग जो हम पढ़ते हैं ना बुक्स में या जब हम पढ़ रहे होंगे कहीं भी, तो आपने स्ट्रिंग के लिए पढ़ा होगा पहली फ्रीक्वेंसी V/12L, अगली 2V/12L, फिर 3V/12L, क्योंकि वह ऑड इवन दोनों मिलते हैं। पर यहाँ केवल ऑड मल्टीपल मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ऑड मल्टीपल मिल रहे हैं मतलब अब पहली फ्रीक्वेंसी V/4L होगी, अगली 3V/4L होगी। तो आपसे पूछा था स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब बेटा ये जो 90 वाली फ्रीक्वेंसी है जो 3 टाइम्स आ रही है, ये आप 3V/4L लिखोगे और दैट इज इक्वल टू 90। तो बेटा V/4L इक्वल टू 30। V कैलकुलेट करना था, लेंथ कितना दिया बेटा 0.8 इक्वल टू 30, तो V इक्वल टू हो जाएगा बेटा 32 × 3, दैट मीन 96 आपका आंसर आएगा। अगर आपने गलती से सोच लिया ना कि सर स्ट्रिंग की तो V/12L होती है, फिर आप यहाँ 3V/12L इक्वल टू 90 कर दोगे, तो फिर आपका आंसर जब अगर यहाँ 2 होगा तो फिर यहाँ पे बेटा 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो 48 टिक कर दोगे, 48 भी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन करते टाइम तो आपको लगेगा सही क्या, बाद में लगेगा अरे गलत हो गया। तो ध्यान रखो बिल्कुल रट के मत जाओ कि स्ट्रिंग मतलब ऑड इवन सारे, वो फ्रीक्वेंसी के रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, एक फ्रीक्वेंसी का फंडामेंटल नॉट दिया हुआ है N0 इक्वल टू V/12L, हमें पता होता कुछ नहीं बोलेगा तो मान के चले स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, पिछले क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं हो। ब्रिज को अब आपने बेटा जो ब्रिज था ये वो पहले बिल्कुल मिड में था, अब आपने ब्रिज यहाँ लगा दिया, कितना आगे डेल्टा एल आगे, तो बेटा ये लेंथ तो हो गया L/2 प्लस डेल्टा एल और ये लेंथ हो गया L/2 माइनस डेल्टा एल। अब आपसे पूछ रहा है बीट्स कितना होगा, बेटा फार्मूला क्या होता है बीट्स का, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस N1 - N2, N1 का वैल्यू V/2 लेंथ L/2 माइनस डेल्टा एल इक्वल टू V/2 L/2 प्लस डेल्टा एल। अब बेटा V/2 कॉमन ले लें आप, LCM क्या आ जाएगा L/2 प्लस डेल्टा एल, L/2 माइनस डेल्टा एल, यहाँ हो जाएगा बेटा L/2 प्लस डेल्टा एल माइनस L/2 प्लस डेल्टा एल, L/2 से L/2 कैंसिल, तो ये हो गया बेटा V/2 डेल्टा एल 2 डेल्टा एल अपॉन, बेटा डेल्टा एल L/2 से काफ़ी छोटा है तो ये हो जाएगा L² / 4, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर चला गया तो 4V/L/L² आंसर। V के फॉर्म में नहीं दिया, N के फॉर्म में दिया, तो V को क्या लिख दिया 2NL, तो बेटा 4V को लिख दिया 2N0L डेल्टा एल अपॉन L² एल से L² कैंसिल, तो आंसर आएगा 8N0 डेल्टा L/L 8N0 डेल्टा L/L। सिंपल कैलकुलेशन था, बस ये पता करना था ब्रिज अगर मिड में था तो दोनों तरफ लेंथ L/2 था, अब ब्रिज को थोड़ा सा खिसका दे तो डेल्टा L का चेंज आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेटा पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, वैसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव आपको देखा Y = e^(-x²), T = 0 पे पोजिशन ये है और T = 2 पर पोजिशन ये। अब देखो बेटा T = 0 पर वाई का वैल्यू है e^(-x²) और T = 2 पर है y का वैल्यू e^(-1 - x², यानी जो पोजीशन x थी वो पोजीशन 1 - x हो गई, यानी x के पोजीशन में कितना चेंज हुआ। आप बोलोगे सर x के पोजीशन में चेंज हुआ है 1 मीटर का, कितने टाइम में, 2 सेकंड में, तो बेटा वेलोसिटी कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/2.5 आंसर आएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है ठीक, या फिर आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते थे। इक्वेशन बना के कैसे बेटा, इसी में इसको e^(-x²) = 1/y कर लें, तो x² = log 1/y कर लें, तो x का वैल्यू मिल गया, फिर ऐसे यहाँ से x - 1 का वैल्यू आएगा, दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 1 आ जाएगा, तो पोजिशन में चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एस वन एस टू आर टू कोहरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड. बेटा देखो, एक कोहरेंट सोर्स, इसको ऐसे बना रहा हूं, यहां पर एक सोर्स है, यहां पर एक सोर्स है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2.7 लैम्डा. तो बेटा इस वाले पोजीशन पे फेज पाथ डिफरेंस कितना होगा? 2.7, क्योंकि जो वेव यहां से जाएगी वो इतना पाथ ट्रेवल करेगी, जो यहां से जाएगी वो ज्यादा. इसको बेटा नेक्स्ट स्टेप में बोल दूं 5.4 लैम्डा बाई 2. यहां पर जब वेव पहुंचा तो दोनों तरफ का पाथ सेम हो गया, तो पाथ में डिफरेंस जीरो. यहां पहुंचा तो फिर से 5.4 लैम्डा बाई 2, और यहां पहुंचा तो जीरो. अब आपसे पूछ रहा है बेटा मैक्सिमम कब कब मिलेगा? बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. तो बेटा ये लैम्डा बाई 2 का 5.4 टाइम्स, ये लैम्डा बाई 2 का 0 टाइम्स. तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपका वेवलेंथ पाथ डिफरेंस घटता जा रहा है. अब इसमें इवन नंबर्स क्या क्या आएंगे? 5.4 से लेके 0 के बीच में इवन नंबर्स आएंगे बेटा 4 और 2. 0 से लेके 5.4 के बीच में इवन नंबर 2 और 4. फिर बेटा 4 एंड 2, फिर 2 एंड 4. ये सारे इवन नंबर्स आएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और बेटा 0, 0 भी आपके इवन नंबर्स होते हैं, तो टोटल कितने? 10 टाइम्स आपके आएंगे. ये आपका कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस यहाँ पे देगा. अब इसी में अगर पूछा जाए कि यार मिनिमम कहाँ पे होंगे, ये पूछ लिया जाता है, तो मिनिमम के लिए ऑड नंबर्स देखते. तो बेटा 5.4 के 0, 5.4 से 0 के बीच में ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे? 5, 3, 1. तो 5, 3, 1, 1, 3, 5, 5, 3, 1, 1, 3, 5. 3, 3, 6, 9, 12. 12 बार डेस्ट्रक्टिव होते. तो अभी इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टिव पूछा है तो आपने आंसर 10 टिक किया. अगर डेस्ट्रक्टिव पूछता तो आपका आंसर 12 हो सकता, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे ही कंफ्यूज करेगा आपको, देखते हैं. फर्स्ट साइट लगेगा यार पता नहीं क्या पूछ लिया. 1 मीटर लंबा वायर है भाई, वायर का लंबाई 1 मीटर है, ठीक है. 20 सेंटी, बेटा यहाँ पे आपका फ्री एंड है, टी इज फिक्स्ड एट ए. ये तो बेटा आपका फिक्स हो गया, ये आपका फ्री हो गया. यहाँ एंटी नॉड बनेगा, कन्फर्म है. यहाँ नॉड बनेगा, ये भी कन्फर्म है. बीच में इसको आपने यहाँ पे फिक्स और कर दिया, तो यहाँ भी नॉड बनेगा, ये भी कन्फर्म है. तो ये फिक्स हो गया बेटा, यहाँ एंटी नॉड, यहाँ नॉड, यहाँ एंटी नॉड बनेगा. अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ स्ट्रिंग फॉर फंडामेंटल मॉड. बेटा क्या क्या स्ट्रिंग का शेप हो सकता है? देखो यहाँ एंटी नॉड, यहाँ नॉड, एंटी नॉड नॉड के बीच में डिस्टेंस 20. तो बेटा पहला केस तो मैं ऐसा बनाऊं, ये 20 था, यहां एंटी नॉड, यहां नॉड. तो बेटा इससे 20 आगे फिर एंटी नॉड बनेगा, इससे 20 आगे फिर एंटी नॉड. टोटल लेंथ कितना आपका दे रखा है? लेंथ आपका नहीं दिया हुआ, चलो उसके 1 मीटर दे रखा है, ठीक है. बेटा ये 20 था, 40 पर एंटी नॉड, फिर 60 पर नॉड, फिर 80 पर एंटी नॉड, फिर 100 पर नॉड. लास्ट में नॉड बनना था ना बेटा, यहां पे थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस करते हैं तो आपको समझ में आएगा. ये 0, 20, 40, 60, 80, 100. 0 पर एंटी नॉट, 20 पे नॉट, क्वेश्चन ने बोला है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर ये एंटी नॉट, फिर ये नॉट, फिर ये एंटी नॉट, फिर ये नॉट. तो डायग्राम कैसा बना बेटा? ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा. तो बेटा फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो पॉसिबल हो सकती थी वो ये पॉसिबल हो सकती, बस ये आपको करना था. इसमें इक्वल डिस्टेंस लेते हुए डिवाइड करना था इसको, राइट बेटा? चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टैंडिंग वेव फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए सरफेस द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एन एंटीट्यूड एंटी नॉट टू दैट ऑफ नॉट इज एक्स. बेटा देखो वैसे तो हम ये मान के चलते हैं दो वेव जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है. तो ऐसे केस में एंटी नॉड जो होता है, एंटी नॉड, उसका तो एम्पलीट्यूड होता है 2a और नॉड का एम्पलीट्यूड होता है 0. पर क्वेश्चन बोल रहा है एंटी नॉड नॉड का रेशियो x है. अगर बेटा ये 2a और ये 0 होता तो रेशियो इन्फाइनेट होता, इसने इन्फाइनेट नहीं बोला. इसका मतलब इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, अलग अलग है, a1 और a2. तो बेटा एंटी नॉड जो बनेगा, एंटी नॉड, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 प्लस a2, और जो नॉड बनेगा उसका हो जाएगा बेटा a1 माइनस a2. और इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? एक्स. अब आपसे पूछा फ्रैक्शनल ऑफ एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड. बेटा फ्रैक्शनल ऑफ एनर्जी पूछ रहा है जो रिफ्लेक्ट हो रही है. बेटा एनर्जी का रेशियो मतलब अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो. तो इसका मतलब मुझे a1 बाई a2 का स्क्वायर पूछा है. अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं. a1 प्लस a2 इक्वल टू एक्स a1 माइनस एक्स a2. बेटा a1 वाली चीज़ें एक तरफ ले आए, ये a1 है, ये a1 है. तो बेटा मैं इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, तो a2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स
और ए वन इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो बेटा ए वन बाय ए टू की वैल्यू हो गया एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स। तो बेटा एनर्जी का मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा बोलूँगा एनर्जी ऑफ वन अपॉन एनर्जी ऑफ टू इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। सो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टू सोर्स एमिटिंग साउंड ऑफ वेवलेंथ वन मीटर लॉकेटेड एट पॉइंट पी एंड क्यू एज शोन इन फिगर, ऑल साइड्स आर, बेटा सब रेगुलर हेक्सागन है, तो बेटा ये लेंथ वन, तो ये लेंथ वन, तो ये लेंथ वन, तो ये लेंथ वन, ये सबका वन। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है बेटा, साउंड सोर्स लॉकेटेड पी एंड क्यू, एक सोर्स यहाँ पर है, एक सोर्स यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा। बेटा जो पी से सोर्स आएगा वो कितना पाथ ट्रेवल करके आएगा, वन मीटर। जो क्यू से आएगा वो कितना पाथ ट्रेवल करके आएगा, टू मीटर। तो पाथ में डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों के बीच में, बेटा वन मीटर। अब लैम्डा की वैल्यू कितना दे रखा है, वन मीटर। तो लैम्डा बाई टू का वैल्यू हो गया वन बाई टू मीटर। बेटा पाथ में डिफरेंस लैम्डा बाई टू का टू टाइम्स है, और टू टाइम्स का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, और कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा बेटा, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, फोर आई नॉट आपका आंसर आ जाएगा, फोर आई नॉट आपका आंसर आएगा, राइट बेटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कुल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्ट्रेंथ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट एंड्स। बेटा ये आपका वायर है, लेंथ कितना एल, दोनों साइड आपने फिक्स किया हुआ है, क्वेश्चन ने बोला है फिक्स्ड एंड्स, ठीक है। व्हेन देयर इज ए नॉड एट ए डिस्टेंस एल बाय थ्री, भाई देखो एल बाय थ्री पर यहां तो नॉड बनेगा ये कंफर्म है, यहां नॉड बनेगा ये कंफर्म है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन देयर इज ए नॉड एट डिस्टेंस एल बाय थ्री। बेटा यहां से एल बाय थ्री पर नॉड होगा, तो इस अगले एल बाय थ्री मतलब टू एल बाय थ्री पर फिर नॉड होगा, और L पर भी नॉड आपका होगा। तो एक केस तो ये हो सकता है L बाई थ्री फ्रॉम, अब इसमें ऑप्शन चलेगा मिनिमम एंड नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बेटा फर्स्ट केस क्या होगा, ये नॉड, ये नॉड, ये नॉड, ये नॉड, तो बेटा एक डायग्राम तो ये बन रहा होगा, क्योंकि एक नॉड अगर L बाई थ्री पे है ना बेटा, तो अगला नॉड भी L बाई थ्री पे होना चाहिए था, राइट। तो आपने कहा सर ये डिस्टेंस हमें समझ में आ गया। अब इस केस में आपका जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट मिनिमम एंड नेक्स्ट हायर नंबर ऑफ नॉड्स एक्सक्लूडिंग द एंड्स आर टू। बेटा एंड्स वाले नॉड को हटा दो तो पहले वाले फ्रीक्वेंसी में दो नॉड मिलेंगे, हमें भी लग रहा है इन दोनों को हटा देंगे तो दो नॉड मिलेंगे। ये तो फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्वेश्चन बोल रहा है जीरो है, ये एल बाई थ्री है, ये टू एल बाई थ्री है। अब बेटा यहाँ नॉड बनेगा ये कन्फर्म है, इस वाले केस में अगला नॉड सीधा एल बाई थ्री पे बना दिया, लेकिन सोचो ये भी तो हो सकता है सर यहाँ भी एक नॉड बन रहा हो फिर यहाँ बन रहा हो, तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा। तो बेटा यहाँ भी ऐसा ही बनेगा, तो यहाँ भी ऐसा ही बनेगा, भाई नंबर ऑफ नॉड एंड नॉड तो कितनी भी हो सकता है ना। अब इस केस में मतलब फर्स्ट केस ये हो सकता है और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इसने बोला है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, तो ये दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है इसमें। अब क्या बोल रहे हैं, मिनिमम एंड नेक्स्ट हायर नंबर ऑफ नॉड्स एक्सक्लूडिंग एंड आर टू एंड फोर। बेटा यहाँ पे एक्सक्लूडिंग एंड वाले नॉड्स छोड़ दें तो कितने नॉड्स हैं, दो। यहाँ पे बेटा इन दोनों को छोड़ दें तो वन टू थ्री फोर फाइव, देखना इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बाकी क्या बचा, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव, यानी ये ऑप्शन सही है। इसमें दो होंगे, अगले में फाइव होंगे, बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसे भी लाया हूँ कि सारे चेक करो ताकि एक से ज़्यादा क्वेश्चन मिले। मिनिमम एंड नेक्स्ट हायर नंबर ऑफ नॉड्स एक्सक्लूडिंग एंड आर टू एंड फोर, ये तो गलत हो गया, टू एंड फाइव मिल गया। फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड मे बी वी बाई थ्री एल। बेटा अगर फर्स्ट केस इसको ले हम तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बेटा लैम्डा की वैल्यू क्या होगा, लैम्डा बाई टू, लैम्डा प्लस लैम्डा, भाई नॉड और सॉरी नॉड और नॉड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होता है, तो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू इक्वल टू एल। तो लैम्डा कितना हो गया बेटा, टू एल बाई थ्री, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वी बाई लैम्डा, तो टू एल बाई थ्री। ये फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है क्या, हम बोल रहे हैं 3V by 2L possible है, V by 3L नहीं है, 3V by 2L possible। तो आंसर कौन कौन से सही होंगे बेटा, A और D, दो आंसर करेक्ट होंगे, राइट बेटा। तो ये आपके काफ़ी डिफरेंट अप्रोच के काफ़ी क्वेश्चन हमने किए बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा वेव के जितने भी क्वेश्चन हमने देखे ना, आपको काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट देखेंगे, उम्मीद है आपको कुछ मज़ा भी आया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं, सर ये आपने कैसा किया। सो दिस इज ऑल अबाउट वेव, वेव में आज हमने क्या पढ़ा बेटा, स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट।
अब जो नेक्स्ट वेव का कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊँगा वो फिर आपका साउंड वेव को लेके आएंगे, जिसमें बीट्स और ऑर्गन पाइप्स और डॉपलर्स इफेक्ट, ये सब क्वेश्चन देंगे, राइट बेटा? सो होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज़ राकेश सैनी।